नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड रिपेयरिंग में। दोस्तों एक 14 इंच का सीआरटी टीवी आया हुआ है रिपेयरिंग के लिए मेरे पास, तो इसमें देख सकते हैं एवी का प्रॉब्लम है, मतलब कि इसमें पिक्चर नहीं आ रहा है। देख सकते हैं इसमें जो है ऑडियो वीडियो वायर को जो है मैं अपना डीटीएच से कनेक्ट किया हूँ, और डीटीएच में जो है लाइन देख सकते हैं दिया हुआ है, और ये ऑडियो वीडियो केबल जो है इसमें लगा हुआ है। तो देख सकते हैं अभी टीवी जो है एवी मोड में है तो पिक्चर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आज जो है इस फॉल्ट को रिपेयर करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अभी तक आप हमारे भृगुनाथ व्लॉग चैनल पर विजिट नहीं किए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको, तो उस चैनल पर विजिट करें। अगर वो चैनल आपको अच्छा लगे, व्लॉग का चैनल है, तो आप उस चैनल पे भी हमें सपोर्ट करें। तो आपका समय को वेस्ट किए बिना चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों टीवी को मैं खोल लिया हूँ, और टीवी को खोलने के बाद में सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ये जो हमारा ऑडियो वीडियो का वायर आया हुआ है ऑडियो वीडियो सॉकेट से, तो ये वायर को चेक करेंगे कि ये वायर के द्वारा जो डीटीएच का सिग्नल है वो यहाँ तक आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मीटर को जो है कंटिन्यूटी रेंज में सेट करेंगे, और तो ये जो पीला वाला कोड है ये आगे जो ऑडियो वीडियो सॉकेट होता है उसके वीडियो वाला सॉकेट पे लगा हुआ है, इसका पहला छोर, और दूसरा छोर ये है। तो क्या करेंगे, मीटर का एक प्रोड को यहाँ पे लगाएंगे, और ये हमारा जो जैक है ये जैक के तीनों पिन पे जो है चेक करेंगे बारी बारी से कि ये हमारा कनेक्शन आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे मतलब कि यहाँ बीप मिल रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बीप नहीं मिल रहा है, किसी में नहीं मिल रहा है। अब इसको यहाँ ग्राउंड में लगा लेंगे, और ग्राउंड को भी चेक करेंगे कि ग्राउंड आ रहा है कि नहीं। देखिए ग्राउंड आ रहा है, ठीक है। और ये बीच वाला पिन से जो होता है सिग्नल होता है वीडियो सिग्नल, वो उसमें रीडिंग नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हो सकता है ये तार खराब हो या सॉकेट खराब हो। तो इसके लिए ये जो वायर है सॉकेट पे आया हुआ है, तो सॉकेट पर चेक करेंगे कंटिन्यूटी। तो देख सकते हैं इसका सॉकेट पे कंटिन्यूटी बता रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ तक जो बता रहा है इसका मतलब ये था कि यहाँ से ये वायर जो है वो खराब था, तो इसको हम एक बार जो है दोबारा से जोड़ लेते हैं अच्छा तरह से। तो दोस्तों ये वायर ही पूरा सड़ा हुआ है, इसी के कारण जो है प्रॉब्लम कर रहा होगा। तो मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ कि अगर हमारा वायर सही रहता, यानी कि ये वायर का दिक्कत नहीं होता, तो यहाँ पे आपको इसी तरह ट्रेस करना है कि ये जो तीनों पिन है इसमें से वीडियो वाला सॉकेट कौन सा है, यानी कि वीडियो पिन कौन सा है। तो इधर वाला जो पिन लगा हुआ है सॉकेट इस तरह लगता है, तो इधर वाला जो पिन है वो वीडियो का है। तो इधर जो है किट में पलट करके इसका ट्रैक को ट्रेस करेंगे, और इस वाले पिन पे जो है जो भी कंपोनेंट लगा हुआ होगा, एक यहाँ पे जिनर डायोड है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अधिकांश जो है ये जिनर डायोड जो है खराब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तो वीडियो का प्रॉब्लम आता है। और इधर जो भी इस ट्रैक में कंपोनेंट लगे हुए हैं सभी को बारी बारी से चेक करना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी जो है ये जैक को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, दो वायर इसका सही है, और ये तीसरा जो वायर है इसको मैं डायरेक्ट इस पिन पे नीचे वहाँ पे सोल्डिंग कर देता हूँ, और सोल्डिंग करने के बाद में चेक करते हैं कि वीडियो जो है आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये ऑडियो वीडियो जैक है, और यहाँ से ये वायर खराब था, तो इसको जो है मैं नीचे सोल्डिंग कर दिया हूँ इस पिन में, और अभी जो है मैं इसमें लाइन दे चुका हूँ, और लाइन देने के बाद में मैं आपको इसका पिक्चर दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं पिक्चर जो है प्रॉपर आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है क्योंकि साउंड का जो जैक है वो मैं निकाला हूँ, देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी,
और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।